हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक है जो फैमपे में यूपीआई की प्रॉब्लम आ रही है, आई थिंक वो रिजॉल्व होने वाली है। तो मैंने जब आज फैमपे से बात की थी, फैमपे से मैंने दो तरीकों से बात की थी। फैमपे का जो ऑफिशियल ऐप है, ऐप में जाकर एक ऑप्शन आता है कि उसके एजेंट से हम बात कर सकते हैं, और सेकेंड एक अदर वे है कि हम फैमपे पे इंस्टाग्राम से भी बात कर सकते हैं, पर वो सभी को रिप्लाई देता है, कुछ लोगों को ही रिप्लाई देता है। उसने मुझे रिप्लाई दिया था, तो मैं आपको वे कारण बताऊंगा कि फैमपे की यूपीआई क्यों पाओ से कब तक वो रिज्यूम की जाएगी, और उसका मेन रीज़न क्या है कि फैमपे की तरफ से ये यूपीआई पाओ सी गई है। तो अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। स्क्रीन पर अब आपको मैं दिखाऊंगा कि आपको जो प्रॉब्लम आ रही है कि आप मैसेज सेंड करें, आपकी यूपीआई रजिस्टर नहीं हो रही, वो मेरे में आ रही कि नहीं आ रही, इसलिए अपने फैम पे आपको ओपन करेंगे। ठीक है, मैं ये वीडियो दोबारा बना रहा हूँ। इसका रीज़न ये है कि जो मेरा अदर जो वीडियोस तो बने हुए हैं उस पर कॉपीराइट टेक डाउन आ चुका है, तो वो कभी भी यूट्यूब चैनल पर से हट सकते हैं, इसलिए मैंने ये वीडियो दोबारा बनाऊँ। ठीक है, तो करेंगे सिंपली स्कैन पर क्लिक। अब देखिए ये पेज आ रहा है, अब देखिए ये पेज आ रहा है, इस पर आपको सिंपली से क्लिक करना है रिस्टोर यूपीआई। रिस्टोर यूपीआई करने के बाद सेंड एसएमएस टू वेरीफाई, ये सब आ रहा है, आपको एसएमएस को सेंड करना है वेरीफाई करने के लिए। अब जिस सिम से आपने मैसेज करना है, जिससे फैम पे रजिस्टर किया उस पर मैसेज करना है। एयरटेल मैंने किया रजिस्टर, आप कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद ये आप एसएमएस आपका वेरीफाई करने के लिए वो एसएमएस सेंड करना होगा। ठीक है, अब एसएमएस आपको सेंड करने का ऑप्शन आ जाएगा, ये सेंडिंग आ जाए। अब मैंने इसको सेंड कर दिया सेंड। ठीक है, अब देखते क्या सेंडिंग है, फेल्ड बताता है या फिर क्या बताता है, देखते हैं। नाउ एसएमएस मतलब सेंड हो चुका है। ठीक है, अब बैक आते हैं, बैक आ गए इसी पेज पे वापस। ठीक है, इसी पेज पे आ गए, अब हमारा मैसेज सेंड हो चुका है, मैसेज हमारा सेंड हो चुका है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आई थिंक वो वापस आ गया, मिस्टेक हो गई थोड़ी। अब वापस बैक आते हैं। ठीक है, आ गया मैसेज हमारा सेंड हो चुका है। अब एसएमएस को वेरीफाई किया जाएगा कि एसएमएस हमारा सेंड हो चुका, सक्सेसफुली सेंड हो चुका है। ठीक है, आपने देखा होगा कि सेंडिंग पूरा सक्सेसफुली सेंड हो चुका है। अब वेरीफाई किया जा रहा है सर्वर से, और ये प्रॉब्लम आ रही है। क्या आपके फ़ोन में भी ये प्रॉब्लम आ रही है? अगर प्रॉब्लम आ रही हो तो बस नीचे कमेंट करके बता दें। ठीक है, अब वापस बैठ जाते हैं इनका आंसर। उसके बाद मुझे अपने फोन की स्क्रीन पर अब आपको मैं अपना सिंपल सा इंस्टाग्राम हैंडल पर लेके चलता हूँ, जहाँ मुझे फैमपे की ऑफिशियल ऐप ने मुझे रिप्लाई किया था कि क्या क्यों प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, अब मैं ये वीडियो दोबारा क्यों बना रहा हूँ, इसका रीज़न ये है कि मेरे जो अदर वीडियोस हैं यूपीआई के ऊपर, वो उस पर कॉपीराइट टेक डाउन आ चुका है, जिसकी वजह से वो मेरे वीडियोस कभी भी हट सकते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि जो आपकी इन्फॉर्मेशन मैंने दी थी वो इस यूट्यूब चैनल मेरे यूट्यूब चैनल से हटे, इसलिए मैं आपको दोबारा वीडियो ये बना रहा हूँ। ठीक है, अब फैमपे पर लेकर चलते हैं। आप फैमपे मुझे रिप्लाई किए थे। ठीक है, कहाँ से मैंने क्वेश्चन पूछे थे, ये देखिए। हाँ, हे फैमपे, माय मैसेज इज सेंट बट माय यूपीआई प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व, कि मेरा मैसेज सेंड हो गया फिर भी मेरी यूपीआई रजिस्टर नहीं हो रही है, आई एम फेसिंग इश्यूज। तो इसकी फैमपे की तरफ से रिप्लाई था, हे बट वी रिग्रेट द इनकन्वीनियंस कॉज, वी हैव पॉज यूपीआई रजिस्ट्रेशन टेम्पररी, कि हमने जो यूपीआई आपकी रजिस्ट्रेशन है वो टेम्पररी ब्लॉक कर दी है, पॉज कर दी है। दिस हैज बीन ड्यू टू सम टेक्निकल इशू, वी विल नोटिफाई वंस इट इज अप अगेन। अप्रिशिएट योर पेशेंस एंड अंडरस्टैंडिंग इन द मीन टाइम। अगर आपके पास यूपीआई रजिस्टर आपकी नहीं हो रही, तो इसका ये रीजन है कि आप ही के ऑफ के सिर्फ आप ही के में आ रही प्रॉब्लम, ये जितने भी फैमपे यूजर सभी के में आ रही। तो सबसे बड़ा डाउट आपके मन में ये था कि मेरे प्रॉब्लम आ रही, पर ये सभी प्रॉब्लम आई, तो आपको चिंता करने इसकी कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है, उसके बाद प्लीज़ राइट टू अस ऑन सपोर्ट एट द रेट फैमपे डॉट इन एंड वी नोटिफ लुक इन टू द इशू। अगर आपके इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम आपको फैमपे में हो रही है, तो आप मुझे इस जीमेल आई डी पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, ये फैमपे ने ऐसा मैसेज किया है, सपोर्ट एट द रेट फैमपे डॉट इन पर आपसे जीमेल कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं कुछ नीचे आते हैं थोड़ा, ये मुबारक आया था फैमपे की तरफ से, बहुत बहुत मुबारक। उसके बाद ही फैमपे प्लीज रिज्यूम यू पी आई, वी आर फेसिंग सो मैनी इशूज प्रॉब्लम्स, वी आर एबल टू यूज फैमपे ऐप एज यू वांट, यू आल्सो नो वी कांट यूज़ द फैमपे कार्ड एवरीवेयर। तो मैंने अगला मैसेज भेजा कि आप प्लीज़ यू पी आई रिज्यूम कर दीजिए, क्योंकि हम लोग बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, और जो फैमपे कार्ड हम इस तरह यूज़ करना चाहते हैं उस तरह नहीं यूज़ कर पा रहे हैं, और ये भी जानते हैं आप लोग कि हम फैमपे कार्ड का हर जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है, हे बडी, वी अंडरस्टैंड दैट द इशू इज फ्रस्ट्रेटिंग फॉर यू एंड मैनी यूजर्स, वी आर ट्राइंग वेरी हार्ड टू रिजॉल्व इट एज सून एज पॉसिबल, थैंक यू फॉर योर पेशेंस, रिप्लाई आता है, हे बडी, हम जानते हैं कि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है, तो प्लीज़ हमारे साथ मतलब कि कैरी करिए कि हाँ वेट करिए थोड़ा सा, जैसे ये ठीक हो जाती है हम आपको नोटिफाई कर देंगे। ठीक है, ये आपके दो क्वेश्चन दो तीन क्वेश्चन आपके इसमें सॉल्व हो गए होंगे, आपके जो डाउट्स थे फैम पे रिलेटेड। अब अगला जो डाउट आता है कि क्यों आखिर रीज़न क्या है कि जो इसे ब्लॉक कर रखा है, इसका मेन रीज़न क्या है जो फैम पे ने इसे बंद कर रखा है। ठीक है, इसके लिए आपको लेकर चलेंगे अपने लोगों पर, उसके बाद लेकर नीड हेल्प पर। ठीक है, नीड हेल्प में क्लिक करने के बाद
मैंने फैम पे से कॉन्टेक्ट किया था, तो कैसे कॉन्टेक्ट करते हैं अभी आप इसे देख जान सकते हैं। अब केवाईसी चलेंगे, केवाईसी में जाने के बाद लेफ्ट साइड अबाउट केवाईसी का सेक्शन आ रहा है। केवाईसी के बाद उसके बाद सबसे नीचे माई केवाईसी रिक्वेस्ट गॉट रिजेक्टेड, ठीक है। इसके बाद चैट विद अस, उसके बाद प्रोसीड, ठीक है। जो मेरी क्वेरीज थी, मेरी फैम पे से रिलेटेड क्वेरीज मैंने यहाँ पूछी थी। हाँ कहाँ क्या, हाँ इसमें आता है, हे फैम पे प्लीज रिज्यूम यू पी आई वी आर फिशिंग। जो मैंने सेम क्वेश्चन यहाँ पूछा था, और यू ऑल्सो नो वी कांट यूज फैम, मैंने सेम क्वेश्चन यहाँ पूछा। उसके मैंने स्क्रीन शॉट सेंड किया कि जो हमारे में प्रॉब्लम आ रही थी रिस्टोर यू पी आई का, आई एम फिशिंग दिस इशू माई सेंड बट यू पी आई इज नॉट रजिस्टर्ड हेल्प, ठीक है। फिर रिप्लाई आता है अनुरीत, जो फैम पे का एजेंट है अनुरीत, उन्होंने रिप्लाई किया, हे डियर थैंक्स फॉर रीचिंग फैम पे, वी अपोलाइज फॉर द इनकन्वीनियंस ड्यू टू सम न्यू रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज बाय बैंक, यू पी आई रजिस्ट्रेशन हैव बीन टेम्पररी डिसेबल्ड, वंस नेवर रिज्यूम वी विल नोटिफाई यू, थैंक्स फॉर कॉन्टेक्टिंग, हैव अ फैम पे हैव अ नॉइज। तो इसका प्राउस कर रखा, क्यों रखा है, इसका रीजन ये है कि बैंक की तरफ से काफ़ी सारे फैम पे को रेस्ट्रिक्शंस आ गए हैं, इसलिए फैम पे को अपनी यू पी आई पाउज कर रखी है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करिएगा, और हाँ मैं फैम पे से रिलेटेड बहुत ज़्यादा वीडियो बना चुका हूँ, 50-50 होने वाले हैं, 40-45 हो गए हैं, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब मत करिए, सब्सक्राइब बिल्कुल कर दीजिएगा, क्योंकि फैम पे से रिलेटेड सारे वीडियो आपको यहाँ मिलेंगे।